वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द हिंदू डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास बाय लॉन्च पर आईएएस। सो आई होप आपको ऑडियो क्लियर आ रही है, कैन यू प्लीज कंफर्म दैट टू मी एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जिन्होंने लाइव ज्वाइन कर लिए, सो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। सो लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टुडेज न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग the same railway infrastructure accident and all the related things. All right, all right ji, chalo then start karte hain aaj ki discussion. So what all we are going to do, tragic track editorial finally on this Indian Railway and the accident that has happened. Eye on oil. So, तेल जो है उसके prices के साथ क्या हो रहा है और उसका impact Indian economy के ऊपर क्या पड़ना चाहिए, इसके बारे में एक discussion है। OPEC is taking some steps, OPEC and OPEC plus के बारे में भी आज जानेंगे। A word of advice to Delhi police regarding the wrestlers protests dealing with deep fakes. तो काफी दिनों के बाद साइंस एंड टेक का ये इशू दोबारा से न्यूज़पेपर में है, सो एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे डीप फेक्स के बारे में। इफ यू नो वॉट डीप फेक्स आर ट्राई टू टेल मी इन द चैट सेक्शन, क्या है डीप फेक्स इफ यू रिमेंबर। इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो शायद आप पहली बार सुन रहे हो इसको, लेकिन बिकॉज न्यूज़पेपर बहुत रेपिटिशन करती है और ये तो एक ऐसी चीज है हिग्स बोसॉन जो पिछले 10 सालों से रेपिटिशन इसकी चल रही है। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हिग्स बोसॉन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर ना ही जाना चाहिए ना ही जाएंगे, खासकर इस यू नो साइंस एंड टेक के इस इशू को लेकर, बिकॉज ये एक बहुत लेटेस्ट इमर्जिंग एप्लीकेशन नहीं है। राइट, एन एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन फ्रॉम मेनी इयर्स नाउ, सर्न कंडक्ट कर रही है तो उसके बेसिक्स भी आज हम सीख लेंगे। देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, राइट एंड नॉट ओपेक। सो ओपेक प्लस की पार्ट कौन सी कंट्री है इनमें से जो ओपेक की पार्ट नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन हियर। Then India is having an ambitious plan to expand its rail infrastructure. What should be the priorities of Indian policymakers while expanding rail infrastructure in India? So if you try to attempt a good answer to this question, तो आप थोड़ी रिसर्च करोगे, आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे, बिकॉज आज एक दिन के न्यूज़पेपर से आपको बहुत अच्छा आंसर नहीं बन जाएगा। सो हम कुछ बात जरूर करेंगे, पहले भी हमने बातें की है अबाउट इंडियन रेलवेज, कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, why it is not the most prominent mode of transportation for industry, for logistics sector. ये सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं पिछले एक दो महीने के डिस्कशन के अंदर, राइट? आप थोड़ी सी और रिसर्च करके एक अच्छा आंसर लिखते हो तो जितनी भी इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी परेशानियां हैं, प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं, वे फॉरवर्ड है, बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ टुडेज डे to do some basic research on what ails India's railway sector. And in your syllabus, in the economy section, infrastructure, railways, right? तो मैंने आपको सब categories भी बता दी कि economy के अंदर infrastructure है, infrastructure के अंदर बहुत सारे और भी modes of infrastructure हैं जिनकी problems आपको पता होनी चाहिए, railway is also one of them, right? So technology that creates images and voices with AI, right? AI which pairs fake images and voice technique which replaces one person's voice image, right? So chalo, creating a fake audio visual using AI which resembles the real one. Bilkul sahi. Very good morning, ji. Right, so karenge iski bhi baat. Karte hain start. So railways to secure signaling equipment with double locks. तो जहां पे सिग्नलिंग इक्विपमेंट पड़ा होता है, जिसको जिस कमरे को गुमटी बोला जाता है इंडिया में, गुमटी, तो उसको दो डबल लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये याद आया इंडियन रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को ये याद आया कि बड़ी ही एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है जहां से सिग्नल्स कोई भी घुस के चेंज कर सकता है, राइट? सो जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है उनको भी बेचारों को नहीं पता था, पता होता कि इतनी वल्नरेबल छोड़ रखी हमने इतनी सेंसिटिव जगह,
जहां से कोई भी घुस के सिग्नल चेंज कर सकता है. नाउ इंडियन रेलवे इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट डबल लॉकिंग सिस्टम वहां पर हो, और जैसे वो कमरा खुलेगा और बंद होगा उसके एसएमएस अलर्ट्स जाएंगे रेलेवेंट अधिकारियों को. राइट, सो दिस इज वॉट दे आर डूइंग, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग नाउ इज ह्यूमन एरर था या मैकेनिकल एरर था, इसके बीच में कोई भी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, शायद जानबूझ के इस क्लैरिटी को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, बट प्रॉब्ली इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एरर्स. दैट मीन्स कुछ मशीन में फेलियर हुआ, टेक्नोलॉजी के अंदर फेलियर हुआ, लेकिन कुछ ह्यूमन एरर भी था. वो क्या था, इट इज नॉट वेरी क्लियर. सो दिस ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, बट वो इतनी ट्रांसपेरेंसी अभी तक तो प्रोवाइड नहीं की गई है. सो रेलवे जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो कुछ और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो लोग जिम्मेदार थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, फिर वो कहते हैं कि ये मशीन का एरर था, देन दे से कि हमें डबल लॉकिंग सिस्टम अपने सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करना है. सो देर मस्ट बी समथिंग दैट मस्ट हैव हैपेंड दैट ये गुमटी जो है विच इज अ स्मॉल कैबिन एट द लेवल ऑफ क्रॉसिंग्स नियर स्टेशंस, तो यहां पे इक्विपमेंट पड़ा होता है, इसको क्यों ऐसे डबल लॉकिंग करने की जरूरत महसूस हो रही है, वी आर नॉट वेरी श्योर. राइट, बट आज हम एक एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे इन दिस वन दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, इट वॉज अबाउट टू हैपन इन फेब्रुअरी एज वेल. राइट, सो एन एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड हैड बीन फोरटोल्ड. ये जो अभी हुआ है जिसमें 275 लोगों की डेथ हुई है, एटलीस्ट 900 इंजर हुए हैं, इसकी प्रिडिक्शन यानी इट वॉज फोरटोल्ड, मतलब प्रिडिक्शन हो चुकी थी जब फेब के अंदर भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट होने वाला था. एंड वहां पर तो ओनली डिफरेंस वॉज दैट वो ट्रेन थोड़ी धीरे थी एंड लोको पायलट थोड़ा अलर्ट था. दीज ट्रेन्स दे वर एट सच अ हाई स्पीड कि इनको रोकना उस मोमेंट में पॉसिबल नहीं था. राइट, एंड आफ्टर दिस फेब इंसिडेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या बोलता है, it called for immediate corrective actions to rectify the system faults and also sensitizing the staff for not venturing into shortcuts. ki shortcuts mat lo, ab ye kya the we don't know. so is feb ke incident jab accident hota bach gaya tab ye warn kiya gaya ki shortcut staff na liya kare, sara jo standard operating procedure hai usko follow kiya kare. But now, you know, probably it was not done and it was a sequence of mechanical failures and human errors. Right? That is what the preliminary inquiry tells. वैसे तो social media पे तो पता लग गया कि कुछ Muslims थे, पास में ही एक मस्जिद थी और उन्होंने ऐसा किया. Right? Social media, जिसको कहते हैं ना webkoof. There is a new word. Do you know this word? What is webkoof? जो वेब पे बैठ के बेवकूफ बातें करते हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग इज, दे आर सेइंग जहां पे एक्सीडेंट हुआ है उसी के पास एक मस्जिद है, उस मस्जिद ने ही ऐसा सब कुछ किया. हालांकि बाद में वो पता चला जब इस फेक न्यूज स्टोरी को डिसाइफर किया गया, दैट वॉज नॉट अ मॉस्क, इट वॉज इस्कॉन टेम्पल. राइट, सो दैट इज वन थ्योरी. ऐसी और भी बहुत सारी थ्योरीज घुस रही हैं कि किसी ने यू नो सिग्नल्स चेंज कर दिए. सो ऑल दीज थ्योरीज वो इंटरनेट पे तो इन्वेस्टिगेशन होके खत्म हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी सरकार कर रही है. राइट, सो नाउ कमिंग टू दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल, दिस इज रिलेटेड टू द पॉलिसी इशू. तो यहां पर क्या बात चल रही है, इंडियन रेलवेज हर दिन 15 मिलियन पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. राइट, 15 मिलियन, सो दिस इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज नॉट इजी, एग्रीड. एंड इंडिया के बहुत एम्बिशियस प्लान्स भी हैं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दैट इज वाई बजट के अंदर रिकॉर्ड एलोकेशन की गई थी 2.4 लाख करोड़. किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है उसकी बैकबोन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एनर्जी इंस्टॉलेशंस, ऑल दीज थिंग्स. एंड ग्रॉसली अंडर फंडेड रही हैं ये सारी चीजें बिकॉज वी आर नॉट अ कंट्री विद यू नो अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस. सो नाउ सिंस वी हैव अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ $5 trillion इकॉनमी, प्रेजेंटली वी आर $3.5 trillion. सो ये जो $1.5 trillion का हमें जंप मारना है अगले एक दो सालों में एज पर द टारगेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.4 लाख करोड़ इस तरीके से रिकॉर्ड एलोकेशन कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फॉर रेलवेज। एक्सीडेंट्स की बात करें पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स तो बहुत ज्यादा कम हुए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट अगर हो रहे हैं उसके क्या कारण है? नाउ दीज आर द कॉजेस। सी, पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स एंड द रूलिंग स्टॉक। सो बेसिकली जो रेलवे है, ट्रैक्स एज वेल एज द रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज नॉट मेंटेन्ड इन अ वेरी गुड मैनर। ओवरस्ट्रेच्ड स्टाफ, बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर रेलवे एक्सीडेंट्स में जिम्मेदार होती हैं। अब हम जो रेलवेज है, दे के नॉट कीप कैमोफ्लाजिंग। व्हाट इज कैमोफ्लाज? डू यू अंडरस्टैंड दैट? जो मिलिट्री वाले होते हैं वो उनकी यूनिफॉर्म वो जंगल्स के साथ मिक्स हो जाने वाली बनाई जाती है, सो दैट फ्रॉम द टॉप या डिस्टेंस से जब वो छुप के लड़ाई कर रहे हैं वो छुप जाएं, आसपास के एनवायरमेंट के अंदर वो छुप जाएं। राइट, सिमिलरली जो डेजर्ट फोर्सेज होंगी उनका, उनकी यूनिफॉर्म का कलर आप देखोगे वो वैसी होंगी। सो कैमोफ्लाज मतलब हाइड कर जाना इन इन समथिंग, राइट? इट कैन बी अ ड्रेस, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। सो यहां पे इंडियन रेलवे किसमें कैमोफ्लाज करती है अपने आप को? ग्लिट्जी फसाड्स के अंदर। ग्लिट्जी क्या होते हैं? बहुत चमक दमक वाले फसाड्स, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। फॉर इंस्टेंस, वंदे भारत ट्रेन 75 ट्रेन्स विल बी इनॉग्रेटेड इन 75 वीक्स। तो हो क्या रहा है, असल में लोग टिकट खरीदते हैं वंदे भारत की, असल में आती नहीं है वो, बिकॉज ट्रेन थी नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस कर दिया कि अगले 75 वीक्स बिकॉज ऑफ 75th इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू लॉन्च वन वंदे भारत ट्रेन एवरी वीक। अब वो थी नहीं, और इंडियन रेलवे, it is taking pride that we are doing something huge. The thing is, your safety is not done. आपकी सेफ्टी अभी इंश्योर नहीं हुई है, एंड यू आर गोइंग एंड लॉन्चिंग न्यू ट्रेन्स, ब्यूटीफुल लुकिंग ट्रेन्स, विच इज इंपॉर्टेंट, बट सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी प्रायोरिटी शुड बी सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स फर्स्ट, राइट? सो सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग एंटी कलिजन सिस्टम्स आर एक्सपेंडिंग, बट एविडेंटली नॉट एट एन एडिक्वेट पेस। जितनी पेस होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही, और ये मैंने आपको बताया कि 75 नई हाई स्पीड ट्रेन्स जिसको हम वंदे भारत बुलाते हैं उनको लॉन्च करने में लगे हुए हैं, बट सेफ्टी इट इज नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटीज। सो न्यू ट्रेन्स प्रायोरिटी है। पैसेंजर एमिनिटीज भी इंप्रूव हो रही है इंडियन रेलवेज में, ऐसा भी सुनने को जानने को मिलता है, राइट? हालांकि वो बहुत बुरी है अभी भी, बट दे आर इंप्रूविंग एटलीस्ट। सो ऑल दीज आर प्रायोरिटीज, बट पैसेंजर सेफ्टी शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। पीपल शुड नॉट डाई व्हाइल traveling in the railways because of human errors or because of mechanical failures which could have been avoided, right? तो जो आज हमारा question है वो, उसमें कुछ चीजें आप यहां से use कर सकते हो, but इसके अलावा भी Indian railways की बहुत सारी problems हैं, आपको उसके ऊपर भी research करना पड़ेगा। So as I keep telling you, The Hindu, Indian Express, Economic Times, Business Standard, यहां से अगर आपको कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं इंडियन रेलवेज प्रॉब्लम्स, ऐसे कीवर्ड्स डाल के गूगल सर्च करोगे, ट्राई टू रीड दोज आर्टिकल्स, राइट? ऑलराइट, सो अब क्या होना चाहिए? द स्पीड इज इंपॉर्टेंट बट सेफ्टी इज पैरामाउंट। इसमें साबोटाज हुआ है ये भी रूल आउट नहीं किया गया इन दिस एक्सीडेंट जो ओडिशा के अंदर हुआ, कि किसी ने जानबूझ के इस एक्सीडेंट को किया है। That is also being investigated. तब जब CBI investigate करेगी तो कुछ पता चलेगा with proofs and everything, right? चलिए जी, so that is about the railways, and please use this day to do a little bit of research on the problems of Indian railways. ऐसे करते करते आप waterways के बारे में एक दिन करोगे, India की energy security और बाकी सारे related issues के बारे में करोगे, एंड करते करते आपका कम से कम एक पॉइंट जो है विच इज 100% करंट ओरिएंटेड वो आपका कवर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंस के अंदर आपका कोई स्टैटिक पूछने वाली वहां पे ज्यादा चीज नहीं है। दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द पीपीपी पार्टनरशिप्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, कैसे वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंपैक्ट कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनका क्या असर पड़ा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे,
सो अभी व्हाट ओपेक कंट्रीज आर डूइंग, डू यू नो व्हाट इज ओपेक, व्हाट इज ओपेक, व्हाट इज ओपेक प्लस? सो दिस इज ऑयल माफिया ऑफ द वर्ल्ड. ओपेक प्लस क्या है? These are gangsters. You know, this is a cartel. Cartel क्या होता है जानते हो? मान लो आज एयरटेल और जियो और वी ये तीन ही रह गए, ये आपस में मिलके कार्टल क्रिएट कर लेते हैं. कार्टल क्रिएट करके बोलेंगे कि हम तो बहुत महंगा वॉइस डाटा बेचेंगे और इंटरनेट जो है उसका प्राइसेस भी बहुत बढ़ा देंगे, जिससे लिया जाता है वो ले ले. वी आर गोइंग टू रेगुलेट द सप्लाई, राइट? सो दैट इज व्हाट ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज आर. दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट? ठीक है जी. अब सारी पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज है, नाउ दीज आर नॉट टू मेनी, सो कंपटीशन की थोड़ी कमी है. तो ओपेक कंट्रीज और कुछ और तेल बनाने वाली कंट्रीज जब साथ में आ जाती हैं तो हो जाता है ओपेक प्लस. तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, व्हाट दे डू इज, जैसे अभी प्रेजेंटली व्हाट इज हैपनिंग, ग्लोबल इकोनॉमी स्लोइंग डाउन. जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो तेल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. जब तेल की डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई के मुकाबले, तो उसके प्राइसेस का क्या इंपैक्ट होगा बताओ क्विकली. तेल की डिमांड जो है, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, देयर इज लेस डिमांड, सप्लाई उतनी है. पीपल आर नॉट, कंट्रीज आर नॉट डिमांडिंग ऑयल, सो द प्राइसेस विल, दे विल डिक्रीज, राइट? दे विल फॉल, राइट? तो अभी प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इनके लिए नुकसान की बात है. अगर ये 10 रुपए लगाते हैं एक बैरल ऑफ ऑयल निकालने के लिए, सिर्फ डिमांड की वजह से अगर 80 रुपए में बिक रहे, डिमांड नहीं है 70 हो जाएगा 60 हो जाएगा, व्हाट दे विल डू इज दे विल कंट्रोल रेगुलेट रिड्यूस द सप्लाई. ये कहेंगे हम तेल ही कम बनाते हैं, तेल कम बनाएंगे तो सप्लाई भी नीचे आ जाएगी. सो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ डिस्टॉर्शन इन द मार्केट. और फ्री मार्केट में यही नहीं होना चाहिए, राइट? सो ओपेक प्लस ने, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, उन्होंने फैसला लिया संडे को कि जो हमारी सप्लाई है, प्रोडक्शन है, उसको और कम कर देंगे. पहले भी कम कर चुके हैं ये. एंड यहां पे देयर इज यू नो सर्टेन, इसका आपको मैं बता देता हूं ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है. सो दे हैव रिटन कि सऊदी अरेबिया ने भी, जो बहुत बड़ा एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसने भी कहा कि एक एक्स्ट्रा 1 मिलियन बैरल मैं अपने आप ही कम करूंगा जुलाई के अंदर. So, कम तेल बनाएंगे सप्लाई कम हो जाएगी. और इसका इंपैक्ट इमीडिएट क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ऊपर चले गए. सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऐसा आपने सुना होगा. और आजकल प्रीलिम्स के अंदर, बाकी एग्जाम्स के अंदर, इवन यूपीपीसीएस के अंदर थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं इकोनॉमी के. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि आज हम डील करते हैं लेकिन हम इन फ्यूचर उसका लेन देन इन फ्यूचर करेंगे. So, आपके पास तेल है, मेरे को लेना है एंड मेरे पास पैसे हैं. सो वी एंटर इनटू अ डील, इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड इन अ डेट दैट लाइज इन द फ्यूचर, नॉट टुडे. तो अभी क्या हो गया, बिकॉज सप्लाई कट कर दी गई है और ये इंटेंशन भी दिखाता है कि ओपेक कंट्रीज आगे भी करती रहेंगी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दे वेंट ऑन द हायर साइड, राइट? सो दैट मीन्स पीपल स्टार्टेड बाइंग ऑयल under the future arrangements, because prices जो हैं वो बढ़ सकते हैं, right? So, all right. Coming back to the issue, now what impact this is going to have on India? Basically, ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है उसको अपने पेट्रोल और डीजल के prices को कम कर लेना चाहिए. Why? Because we are getting a lot of oil from Russia. Around 33% of our oil demand, it is coming from Russia. Because Russia हमें बहुत सस्ते में तेल दे रहे हैं, So, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा ओपेक प्लस कंट्रीज का जो फैसला है, लेकिन कुछ इंपैक्ट जरूर हमारे ऊपर होगा. बिकॉज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दे विल गो अप नाउ, तो रशिया भी ज्यादा पैसा कमा सकता है. बट वी आर इनटू अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद रशिया राइट नाउ, तो हमें वहां से बहुत सस्ता तेल मिला और हमने जरूरत से ज्यादा खरीद के रख लिया है. वी हैव क्रिएटेड ऑयल रिजर्व्स नाउ, राइट? एंड बिकॉज ग्लोबल स्लो डाउन, आगे भी ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू गो डाउन, तो होगा क्या, उसे और प्राइसेस ये गिरेंगे, ये और प्रोडक्शन काटते रहेंगे. सो ये चलता रहेगा, दिस विल कीप गोइंग ऑन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ऑयल की प्राइसेस एक टाइम पे बहुत ज्यादा थे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अब कम आ गए हैं.
इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, वो उतने में ही तेल दे रही हैं आम आदमी को। सो अगर तेल के प्राइसेस कम होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वो अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर लेती हैं, तो ऑयल के प्राइसेस की जो रिडक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रही आम आदमी को, तो आपको और हमें सस्ता तेल नहीं मिल पा रहा, राइट? सो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई द एडिटर इज राइटिंग कि अगर थोड़ा सा तेल सस्ता कर लिया जाए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको थोड़ा सा कम कर दें अपने टैक्सेस को, तो इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट हो जाएगी और सारी इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करेंगे बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन ऑयल एंड द टैक्सेस दे अर्न फ्रॉम ऑयल। और आपको शायद यह भी पता होगा कि ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो है, दैट इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी, तो अभी जीएसटी के एम्बिट में आता हुआ नहीं दिख रहा। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, द आइडिया वॉज वन नेशन वन टैक्स, सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर सारे देश के अंदर सेम टैक्स लगे, लेकिन तेल को इससे बाहर रखा गया बिकॉज स्टेट इकोनॉमीज तेल, शराब, ऐसी तीन चार चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये टैक्सेस को कम कर दिया जाए या इसको जीएसटी में डाल दिया जाए तो स्टेट इकोनॉमीज कलैप्स कर सकती हैं कुछ, लाइक तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, ये बहुत ही बर्बाद टाइप इनके खजाने हैं, सरकारी खजाने, राइट? तो होगा क्या अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एज अ रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट को इसका टैक्स भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो भी जीएसटी चला जाएगा एंड फिर शेयर आएगा और जो कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट दे आर अर्निंग नाउ। तो अभी इन द शॉर्ट टर्म दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो टू प्रोवाइड रिलीफ टू द आम आदमी एंड टू मॉडरेट द इन्फ्लेशन अ लिटल बिट मोर, what can be done is central government can reduce its taxes, that is what the editorial writes at the last, right? But ye to dekho short term cheeze hain, short term economy ki discussion kam important hai, zyada important kya hai samajhna ki opec aur opec plus karte kya hain, ye apne tel ki supply ko kam kyu kar lete hain, jab prices kam honge tab ye kyu aisa karenge ki apne जो तेल बन रहा है उसको रिड्यूस कर लेंगे सो दैट सप्लाई भी कम हो जाए एंड वो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको मैच करके ये और पैसा कमाए। इज दिस क्लियर? यस ऑन ऑल ऑफ यू? ये पॉलिसी बेस्ड चीजें ज्यादा जरूरी हैं। ये तो इंडिया को क्या करना चाहिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है एडिटर भाई साहब की बात, तो ये ऐसे लिखते रहते हैं, राइट? नाउ क्यों नहीं सुन रही सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई और व्यक्ति आके लिख देगा कल को एक आर्टिकल एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू राइट दैट इफ वी रिड्यूस द टैक्सेस तेल सस्ता हो जाएगा और एनवायरमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग है। एंड ये तो एक अपॉर्चुनिटी है सारे हमारे इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दिस इज द टाइम दैट मोर पीपल आर बाइंग टू व्हीलर्स कार्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स विच आर इलेक्ट्रिक बिकॉज दे आर फीलिंग द पेन। अगर सरकार बार बार इस तेल को सस्ता करती रहेगी तो जनता के दिमाग में क्या, कंज्यूमर के दिमाग में क्या माइंडसेट हो जाएगा कि जब भी तेल महंगा होगा सरकार हमें बचा लेगी। सरकार कैसे बचाएगी? टैक्स पेयर के पैसे से बचाएगी। सो बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा यूज करके सरकार एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को सब्सिडाइज कर देगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज जो ग्रो होनी चाहिए वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। सो दैट इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट। सो पीपल से कीप इट एक्सपेंसिव, एनवायरमेंट को डैमेज करने वाली चीज है, ये सस्ती होनी नहीं चाहिए, राइट? वो भी एक ओपिनियन है लेकिन वो आज न्यूज़पेपर के अंदर नहीं है। सो ये है ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज कौन सी हैं? अल्जीरिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गिबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला। आपको करना क्या है, आपको ये मैप के साथ देखनी है। ये विकिपीडिया का पेज है, सो यू कैन फ्रीली एक्सेस दिस पेज एंड आपको देखना है। और देखो पॉपुलेशन 6.3% है और एरिया कितना है इन कंट्रीज का, इन सभी कंट्रीज का 2.4%, 36% तेल यही बना रही है दुनिया का, 36% तेल ये बना रही है एंड दीज आर 13 मेंबर कंट्रीज, राइट? वेन यू एड दीज कंट्रीज एज वेल, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान, सुडान, अगर आप इसको भी ऐड कर लेते हो जाता है ओपेक प्लस। ये सारे एकदम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, ये कई कई बार अपना इंडिपेंडेंट फैसला भी लेना चाहते हैं। सो दिस इज अ लूज ग्रुपिंग, दिस वन इज अ वेरी टाइट ग्रुपिंग, राइट? नाउ सी कैसे कार्टल्स बना के
ये दुनिया को तंग करते हैं एंड कर्मा इज गोइंग टू कैच अप वेरी सून. जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो तेल की डिमांड्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑलरेडी हेयर. सो दीज कंट्रीज माइट लूज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन फ्यूचर. आने वाले समय में वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, खासकर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो तेल की डिमांड भी साथ साथ में चलती रहेगी. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर जाते हैं, दीज कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट देन, राइट. चलिए जी, मूविंग ऑन टू द रेस्लर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. केसेस रजिस्टर हुए हैं अंडर पॉक्सो. सो यहां पे जो डीजीपी है, फॉर्मर डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस के, वो बहुत इनडेप्थ जाते हैं कानून के बारे में बात करते हैं कि कब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की. देन नाउ द दिल्ली पुलिस इज सेइंग दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग. और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्राइमा फेसे हमारे पास कोई एविडेंस आता है तो हम अरेस्ट डाल देंगे, राइट. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यहां पे कुछ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की बात होती है. अब ये सारे प्रोसीजर आपको अभी नहीं समझने की जरूरत है. व्हेन यू बिकम एन आईपीएस तब आपको समझना चाहिए कि जब ऑफेंस जो है उसमें 3 महीने की देरी हो जाए रिपोर्ट करने में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो है देरी क्यों हुई थी, कोर्ट को जस्टिफाई कर दे विक्टिम. देन नार्को टेस्ट की बात कर रहे थे ब्रजभूषण, उन्होंने कहा कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो. उनको पता था कि इतना आसान नहीं होना. रेसलर्स का भी करवा लो, रेसलर्स ने भी कह दिया कि हमारा भी करवा लो, बट विक्टिम्स का नार्को टेस्ट नहीं हो सकता. दैट इज नॉट अलाउड एज पर द लॉ, राइट. सो दैट इज द थिंग, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा. दैट इज वॉट ही इज राइटिंग एंड ही सेज कि ये पुलिस की छवि के लिए अच्छी बात नहीं है. People are going to stop trusting the police, as if they are trusting the police, right? So let's understand what is cognizable and what is non-cognizable offences. So ye baar baar newspapers mein aate rehte hain. Offences for which the police are empowered to make an arrest. Matlab ye serious offences hain. These are cognizable offences. So inke liye saza bhi 3 saal ya usse zyada ki hoti hai. So yahan pe police empowered hai to make an arrest. जहां पर पुलिस कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, दीज आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, राइट. सो दैट इज द थिंग. अब इसको आप बहुत इन डेप्थ, आई वुड रिकमेंड डोंट रीड दिस, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच. कोई यहां पर ऐसा एक्ट नहीं है, लॉ नहीं है जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई हो. सो दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर यू पीपल, राइट. एंड वो जो व्हाट इज हैपनिंग विद द ग्लोबल ट्रेड, वो भी आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपको वो, बिकॉज आज जो हो रहा है वो कल नहीं होगा. इतना लंबा आर्टिकल आप पढ़ोगे, व्हाट इज द सिचुएशन विद प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड, राइट. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी, दे आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ट्रेड, दैट्स इट. तो उसको आपको नहीं पढ़ना चाहिए. देन कमिंग टू द मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में बहुत रश है, उसको कैसे कम करें. तो एक बहुत स्पेसिफिक सा इशू हो गया ऑफ दिल्ली मेट्रो. You should not be able to imagine any such question, because हमारे दिमाग में रहना चाहिए सवाल क्या बनता है, क्या मेंस में ऐसा कुछ question आ सकता है कि दिल्ली मेट्रो में रश कैसे कम किया जाए, right? So things are not very relevant, so we are going to skip those things. Coming to the deep fake technology, what is deep fake technology? एक बार फिर से बात कर लेते हैं. Something that a machine has produced using deep learning, basically कोई भी audio, video, image can be created using this technology known as deepfake technology. For instance, Barack Obama is video mein aake galiyan de rahe hain Donald Trump ko. So ye video banayi thi ek American comedian ne, unka purpose hi ye tha society ke andar highlight karna the problems, the challenges that we are going to face as a result of deepfake technology. So for instance, आप हो, आपकी वॉइस को इमिटेट किया जा सकता है, आपकी कोई भी वीडियो बनाई जा सकती है, आपकी इमेज बनाई जा सकती है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड. एंड एज वी हैव डन इन द पास्ट एज वेल, क्या डेंजर्स हैं इसके. अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की वीडियो बना दी जाए, या किसी भी स्टेट हेड की वीडियो बना दी जाए किसी दूसरे देश के खिलाफ बोलते हुए, या किसी लीडर की वीडियो बना दी जाए किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हुए, तो कंट्रीज के अंदर कितनी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है. एंड जिस प्रकार से रूमर्स फैलते हैं इन सोसाइटीज लाइक आर्स,
प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई वीडियो बना दी जाए अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड फिर वो बताते रहे कि भाई मैं नहीं हूं उसमें, लोग कहेंगे कि नहीं यही है, बाद में मुकर गए, है ना, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट डीप फेक्स. तो पोर्नोग्राफिक वीडियोज आर बींग मेड, ऑडियोज आर बींग इम्पर्सनेटेड, लोग कंपनीज के मालिक बनके कॉल्स कर रहे हैं जो असल में होते नहीं है, दैट इज ऑल्सो डीप फेक टेक्नोलॉजी. एंड दिस एज आई टोल्ड यू बराक ओबामा की वीडियो बना दी गई. सो एनीथिंग कैन हैपन. अभी यहां पर रिसेंटली क्या बात हो रही है कि अभी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था जब नई पार्लियामेंट ओपन होनी थी, और रेसलर्स की एक फोटो आती है जिसमें वो बहुत खुश थे. पहले उनकी बड़ी दर्दनाक फोटोज आई थी कि बहुत बुरे तरीके से पुलिस ने उनको पीट दिया और उठा के ले गए. बाद में उनकी वैन से, पुलिस की वैन से जो एक फोटो थी वो आती है बहुत खुशी में. सो पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग देम कि कितने यू नो नालायक लोग हैं, कि अंदर जाके कैसे खुश हो रहे हैं, पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन खराब करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे आर सो हैप्पी, राइट. एंड देन वो पता लगा कि वो ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी से उसको चेंज कर दिया गया था. सो बेसिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत इजीली एक्सेसिबल हो चुकी है. आप थोड़े से पैसे देके किसी ऐप को खरीद सकते हो विच इज यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी. यू कैन क्रिएट एनीथिंग. लाइक रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट यू नो जो सिंगर्स नहीं रहे दुनिया में या इंडिया में, उनके गाने बनाए जा रहे हैं, और जो कोई किसी और सिंगर का गाना है वो किसी और सिंगर की आवाज में बना दिया जा रहा है यूजिंग डीप फेक. लाइक यू नो वन सिंगर सॉन्ग बट सम अदर सिंगर इज सिंगिंग, उसने असल में गाया नहीं है. अच्छा, so there was a person who was demanding money by claiming him the CEO of Launchpad, is it? So you know, don't pay him money. तो आपको मैंने वेबसाइट बताई है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे, ठीक है जी. चलिए जी, so that is about deep fake. अब इसमें examples बहुत हैं, बराक ओबामा की, डोनाल्ड ट्रंप की, टूपैक शकूर की, तो आपको ये सारी नहीं पढ़ते रहना बैठ के. डीप फेक की तरीके से चैट जीपीटी भी एक टेक्नोलॉजी है. देखो हर टेक्नोलॉजी के ना बड़े सारे कंसर्न्स होते हैं, प्रॉब्ली दैट राइजेस आउट ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ गेटिंग स्केर्ड आउट ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट. नहीं, आई गेव एन एग्जांपल, वो एक यूरोपियन बैंक के साथ हुआ था, सीईओ बन के पैसे निकलवा लिए थे सारे, ठीक है जी. सुनाओ, सिमिलरली चैट जीपीटी के बारे में हम क्यों चिंतित हैं, हम थ्री पेरेंट बेबी के बारे में चिंतित हैं, हम डिजाइनर बेबीज के बारे में चिंतित हैं. द रीजन इज कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वी वर वरीड, जब व्हील डिस्कवर हुआ था, एज सिंपल एज व्हील, द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हील, सम पीपल सेड कि बहुत नौकरियां चली जाएंगी, है ना. तो ये कंसर्न रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके, रोबोटिक्स से लेके, एवरीथिंग इज क्रिएटिंग दिस अनसर्टेनिटी. सो हमें ये समझते जाना कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. Now the person writing this article, he is saying कि देखो जैसे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करते हैं, बचा के रखते हैं, वैसे ही हम डीप फेक टेक्नोलॉजी को भी बचा के रख सकते हैं. So the same way forward that creates some law, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलत इस्तेमाल करता है डीप फेक का, उसको आइडेंटिफाई करने की टेक्नोलॉजी सरकार के पास हो और उसे क्या सजा दी जाएगी, that should be decided. The people who are not acting in good faith and using these new technologies in a bad manner, they should be punished. Aur uska infrastructure abhi tak to missing hai, not only in India but in the world. So chahe deep fake technology ho, artificial intelligence ho, chahe this chat GPT ho, the generative artificial intelligence, all these technologies, inke concerns ko handle karne ke liye number one way forward is regulatory provisions should be created. Nice, very good. Technology is a good slave but a bad master. बिल्कुल सही बात है, right? But अभी तक तो slave ही थी हमारी, अब हम slave बनने वाले हैं, ऐसा लग रहा है. Human beings are going to be the slaves. Last two days हमने discuss किया था कि कैसे existential crisis हो सकता है, right? चलिए जी. So the decade long search for a rare Higgs boson decay continues. Let's not go into the technicalities. पहले तो ये जान लेते हैं कि है क्या, कहां पे हो रहा है. So there is a research going on, and ये जो lab है, Large Hadron Collider, it is world's largest and higher energy particle
कोलाइडर। तो क्या होता है, यहां पे डिफरेंट पार्टिकल्स को कोलाइड करते रहते हैं। देखो अगर आप इफ यू फाइंड दिस यू नो कि व्हाट आर पार्टिकल्स, आपके दिमाग में ये सवाल आता है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 6 टू 10th साइंस की जब आप पढ़ते हो तो वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए पढ़ते हो। इफ यू हैव टाइम तो उसको आप जरा पढ़ने की कोशिश करो, अदरवाइज दे आर नॉट दैट टॉप ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन 2024। तो फिर शायद आपके पास थोड़ा समय कम हो सकता है। तो फिर इंटरनेट रिसर्च से जितना आप गैदर कर सकते हो उतना गैदर कर लो। सो इट वॉज बिल्ट बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर इसको सर्न बुलाते हैं, CERN। एंड 1998 से 2008 के बीच में 10,000 से ज्यादा साइंटिस्ट ने और यूनिवर्सिटीज ने मिलकर इसे बनाया था। अब यहां पर जितने भी डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सब एटमिक पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, हम उनको कलाइड करवाते रहते हैं और उसका इंपैक्ट जो है रिसर्चर्स उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। सो ऑल द फिजिसिस्ट जो भी करना चाहते हैं दे आर ट्राइंग टू डू दैट, राइट। सो लास्ट वीक फिजिक्स फिजिसिस्ट वर्किंग विद द लार्ज हेड्रन कलाइडर, द पार्टिकल्स मेशर पार्टिकल कलाइडर एट सर्न इन यूरोप, उन्होंने डिटेक्ट किया कि एक हिग्स बोसोन डिके हो रहा है इंटू अ जेड बोसोन पार्टिकल एंड इंटू अ फोटोन। तो जी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी अगर आप बहुत हार्डकोर फिजिक्स स्टूडेंट्स नहीं रहे हो, तो आपको समझनी भी नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल है बिल्कुल ही छोड़ देना भी एक अच्छी बात नहीं है। व्हाट इज अ हिग्स बोसोन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक एन इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटमिक पार्टिकल दैट हैज मास, राइट। एंड दिस बोसोन दिस कम्स फ्रॉम बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे। डू यू नो विच इंडियन साइंटिस्ट, तो आपने ये ढूंढना है। So he collaborated with European scientists and he won a Nobel Prize as well, right? So Higgs boson kya hai? Let's read this part. An electron is a subatomic particle that has mass. Ab iske andar mass hai, ye hume kaise pata lagta hai? Pata lagta hai uski interaction with Higgs boson particle ke saath. Right? So how can we say that an electron has less mass than a proton? ये हमने कैसे establish कर लिया? The answer lies with Higgs boson. So stronger a particle's interaction with Higgs boson, more mass it has. Weaker the interaction, less mass it has. And that is how we establish how much mass a particular subatomic particle has. Right? अब इतनी चीजें समझ में आई तो ठीक है। अभी प्रेजेंट रिसर्च जो है दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट, इट गोज टू टेक्निकल फॉर यू। एंड अगेन इफ यू आर हार्डकोर साइंस स्टूडेंट दैट टू फिजिक्स स्टूडेंट, तो फिर आपको ये रिजल्ट्स ऑफ स्टडी एक बार रीड कर लेने चाहिए, अदरवाइज इसका कहीं पे भी पूछा जाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। ऑलराइट, सो एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिल्ली मेट्रो एंड इकोनॉमिक ट्रेड के बारे में क्या चल रहा है उसको आपको नहीं पढ़ना। लेट्स ट्राई टू आंसर दिस एसी, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, तो हमें ऐसी कंट्री बतानी है जो ओपेक का पार्ट नहीं है, ओपेक प्लस जब बन जाता है उसका पार्ट है। सो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वेनेजुएला है। सो सऊदी अरेबिया इज पार्ट ऑफ ओपेक, दिस ऑल्सो बहरीन इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, नाइस, गुड। और तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द बेस्ट वंस, है ना। इसके अलावा द मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, बिकॉज ये इकोनॉमी से रिलेटेड, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आप अगर वहां पे मिलते हैं आपको एक्सेस है, कुछ आर्टिकल्स फ्री में होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो जहां से भी आपको फ्री मिलता है वहां से आपको एक बहुत अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करना है। अगेन कीप दैट एज योर नोट, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे कल के न्यूज़पेपर के साथ। बाय।